بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर के सोशल स्टडी का लेक्चर नंबर 19। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मीन सहरा या रेगिस्तान। तो डेजर्ट्स सहरा वो इलाक़े है, सहरा या रेगिस्तान ये वो इलाका होता है जहाँ पर किसी भी जहाँ पर पानी की मकदार बहुत कम होती है, यहाँ पर कोई दरिया नहीं गुज़रता और जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती है। पाकिस्तान में चार बड़े सहरा है या चार बड़े रेगिस्तान है, उसमें से पहला है खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट दूसरा पाकिस्तान का जो सहरा है या रेगिस्तान है वो है थर डेजर्ट। थर डेजर्ट तीसरा है थर डेजर्ट और चौथा है चूलिस्तान डेजर्ट। ये पाकिस्तान के चार बड़े बड़े सहरा है या चार बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि सहरा या रेगिस्तान वो इलाका होता है जहाँ पर पानी बहुत कम मकदार में अवेलेबल होता है, जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती है, जहाँ पर कोई भी दरिया नहीं गुज़रता, पानी की मकदार बहुत कम होती है, लिहाजा वहाँ पर बहुत कम तादाद में पौधे पाए जाते हैं, वहाँ की वेजिटेशन बहुत कम होती है और वहाँ की सहरा की अपनी वेजिटेशन होती है, अपने पौधे होते हैं। और पाकिस्तान में ये चार बड़े बड़े सहरा है, खारान डेजर्ट सहरा खारान, थर डेजर्ट सहरा थल डेजर्ट सहरा थल और चूलिस्तान डेजर्ट यानी सहरा चूलिस्तान। अब हम बात करेंगे बेटा वैलीज की। वैलीज मीन बेटा वादिया। वैलीज मीन वादिया। वैली कहते बेटा वादी को। वादी मीन पहाड़ों के दरमियान, दो पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत इलाके को वैली कहते हैं यानी वादी कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत मकामात है जहां पर लोग विज़िट के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वादियां पाकिस्तान में है, उसमें से है वादी मरी। मरी भी वादी है पहाड़ों के दरमियान। वादी स्वार, वैली स्वार जिसे हम कहते हैं, वैली खालाम और वैली कागान वगैरह। तो वैली कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत इलाके को कहते हैं जहां पर लोग सैर के लिए जाते हैं, जहां की आबो हवा बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान में बहुत सारी वादियां हैं या बहुत सारी वैलीज़ हैं, उसमें से मरी बहुत मशहूर है, वादी सवार, वादी कालाम, वादी कागान एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे। ये तो हो गई बहुत थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। अब हम बुक की तरफ जाएंगे। आप अपना बुक खोले बेटा, अब हम रीडिंग करेंगे। अच्छा बेटा, बुक की तरफ देखे। डेजर्ट यानी सहरा या रेगिस्तान। अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट द प्लेन्स आर नॉट ड्रेन्ड बाई एनी रिवर। यानी पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर और जुनूब मशरकी कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ हमवार इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी, जहाँ पर से कोई भी दरिया नहीं गुज़रती। द सोइल इज सैंडी एंड इट इज़ नॉट फर्टाइल। यहाँ की ज़मीन रेतली है। सैंडी मीन रेतली ज़मीन है एंड इट इज़ नॉट फर्टाइल। फर्टाइल मीन ये ज़रखेज़ नहीं है। ज़रखेज़ ज़मीन हम उसको कहते हैं जहाँ पर अच्छे तरीके से फसल काश होती हो। तो ज़रखेज़ ज़मीन वो होती है
जहाँ पर अच्छे तरीके से फसल काश होती हो और फसल के लिए पानी चाहिए, तो लिहाजा डेजर्ट्स में पानी की मिकदार बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो डेजर्ट की ज़मीन सेंडी होती है, रेतली होती है और फर्टाइल नहीं होती, ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं होती। देर इज़ लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पर बहुत कम तादाद में पौधे पाए जाते हैं। दीज आर द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के सहरा है या रेगिस्तान है। द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर द खारान डेजर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के मेन डेजर्ट्स है, सहरा है। अहम खारान, सहरा खारान जो शुमाल मशरक में है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के शुमाल मशरक में है। द तल डेजर्ट लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड जेलम रिवर्स इन पंजाब, सहरा तर जो वाक़ है दरिया सिंध और दरिया जेलम के दरमियान पंजाब में। द थर्ड डेजर्ट विच इज़ द सेवन लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ पार्टली लोकेटेड इन पंजाब एंड पार्टली इन सिंध, सहराए तर जो दुनिया की सातवीं बड़ी सहरा है या रेगिस्तान है, ये वाक़ है, इसका कुछ हिस्सा पंजाब में वाक़ है। पार्टली लोकेटेड इन पंजाब एंड पार्टली इन सिंध, इसका मतलब है कि इसका कुछ हिस्सा पंजाब में वाक़ है और कुछ हिस्सा सिंध में वाक़ है। द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड इन पंजाब, चोलिस्तान का सहरा जो है ये पंजाब में वाक़ है। अब हम पढ़ेंगे बेटा वेलीज़ मीन वादियाँ, पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत इलाके को वादी कहते हैं, जहाँ की अब हवा बहुत अच्छी होती है। अवेली इज़ अ लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेंस आर हिल्स, वेली एक नीचे लोलैंड मीन जो नीचे इलाका होता है, लोलैंड एरिया मीन जो नीचे का इलाका होता है, बिटवीन माउंटेंस आर हिल्स पहाड़ों और चोटियों के दरमियान। वेलीज आर फाउंड बाई पास्ट फ्लोइंग वाटर आर मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, वादियाँ बनती है तेज़ी के साथ बहते हुए पानी की वजह से या ग्लेशियर्स की हरकत की वजह से। जब ऊपर से बहुत तेज़ी के साथ पानी गिरता है या बहता है किसी भी इलाके पर, पहाड़ों से तेज़ी के साथ पानी गिरता है या बहता है, या ग्लेशियर्स हरकत में आ जाते हैं, ग्लेशियर्स का पानी बहता है, तो वह उससे वैली वजूद में आती है, यानी वादी वजूद में आती है। सम फेमस वैलीज इन पाकिस्तान आर क्वेटा, मरी, हुंजा, गिलगित, नीलम, कागान, स्वात एट्सेट्रा। पाकिस्तान की कुछ मशहूर वादियाँ जिसमें से क्वेटा की वादी, वादी क्वेटा, मरी, वादी मरी, हुंजा, गिलगित, नीलम, वादी नीलम जो बहुत खूबसूरत इलाका है, वादी कागान और वादी स्वात। तो पाकिस्तान की कुछ खूबसूरत और मशहूर वादियाँ ये है, क्वेटा, मरी, हुंजा, गिलगित, नीलम, कागान और स्वात। तो बेटा ये तो हो गया आज का सबक, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً.